और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डीएमयू, राइट। तो लॉ ऑफ डीएमयू आज हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन लेकिन इससे पहले मैं अभी कुछ एक्ट करने वाला हूं, उसको आप ऑब्जर्व करें, राइट। खैर मैम, मेरे हाथ में कुछ चॉकलेट है, क्या आप चॉकलेट पसंद है आपको? हाँ पसंद, बिल्कुल पसंद है, बिल्कुल पसंद, बहुत ही पसंद है। हाँ चलिए खैर, तो आपको मैं एक चॉकलेट देता हूँ, खाइए। एक चॉकलेट दी मैंने मैडम को, खाइए आप जल्दी से। मैडम आपको जो चॉकलेट खाने की इच्छा काफी ज्यादा थी, मैं इसको 10 नंबर देता हूँ। जो पहली चॉकलेट मैंने आपको दी है उसको मैंने 10 नंबर दे दिए। अब आपको एक और चॉकलेट खाना है क्या? खाना है। हाँ। तो आपकी इच्छा पहले इतनी है, आप थोड़ी कम है? नहीं कम, अब थोड़ी इच्छा कम है। ओके मैं काम करता हूँ, जो आपकी इच्छा है, इस इच्छा को मैंने पहले 10 नंबर दिए थे, अब 8 नंबर दे दूं। ये लीजिए दूसरी चॉकलेट खाइए। हमने मैडम को दूसरी चॉकलेट दे दी, पहले चॉकलेट को मैंने 10 नंबर दिए, दूसरी चॉकलेट में जो इच्छा है खाने की इच्छा है, उस इच्छा को मैंने 8 नंबर दिए। अब और इच्छा है पहले से कम? पहले से बिल्कुल कम है। तीसरी चॉकलेट में इनकी इच्छा और कम हो चुकी भाई, ये लो तीसरी चॉकलेट भी खा लो। तीसरी चॉकलेट खा रही मैडम, पहली चॉकलेट पे इनकी इच्छा थी 10, हमने उसको नंबर दे दिया अपने हिसाब से। दूसरी चॉकलेट की इच्छा और कम होगी, तीसरी चॉकलेट की इच्छा और कम होगी। एक और चॉकलेट खाने की इच्छा है आपकी? नहीं नहीं, एक चॉकलेट और चलेगी? नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल इच्छा कम है? बिल्कुल भी नहीं है, एक एक चॉकलेट और चलेगी। खैर इनकी इच्छा और कम है, मैं इस इच्छा को नंबर दे दूं, मैं 4 मार्क दे दूं। ओके चलो, चार चॉकलेट खा चुकी मैडम और इनकी इच्छा जो है कम होती जा रही है। जल्दी खाइए मैडम, जल्दी खाइए, आपको ऐसा खाना पड़ेगा, ये एक्सपेरिमेंट है, खाना पड़ेगा। चलो चॉकलेट खा दी मैम, आप एक चॉकलेट और खाइए। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं खाती। नहीं अरे बिल्कुल, अरे एक चॉकलेट नहीं। देखिए मैडम की इच्छा बहुत कम है, मैडम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ मैं आप। नहीं अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, एक चॉकलेट और। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि मैडम की जो है 4 चॉकलेट खाने तक की तो इच्छा कम होती गई, लेकिन 5वीं चॉकलेट तो खाना ही नहीं चाहती है, बिल्कुल नहीं खाना चाहती मैडम। तो मैडम की जो चॉकलेट खाने की इच्छा है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है, अब ये और चॉकलेट नहीं खाना चाहती है। एक चॉकलेट चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं चलेगी, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल आपकी इच्छा माइनस में जा चुकी है, बिल्कुल नहीं खाने की इच्छा आपको। तो ये आपने देखा कि जैसे जैसे ये चीजें कंज्यूम करते जा रहे थे, जैसे जैसे चॉकलेट खाते गई, इनकी जो इस चीज को खाने की जो इच्छा थी उसको हम बोल सकते हैं उसकी जो यूटिलिटी थी, वो यूटिलिटी जो है इनकी कम होती गई। मार्जिनल यूटिलिटी हम उसको नाम बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी जो है कम होती गई। तो मैम आपने ये बात बिल्कुल पूरी ईमानदारी से है कि आप जैसे जैसे चीज आपने कंज्यूम की आपकी इच्छा कम होती गई। ठीक है, थैंक यू, आप थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। आगे हम देखते हैं कि लॉ ऑफ डीएमयू क्या है। लॉ ऑफ डीएमयू भी यही है, लॉ ऑफ डीएमयू यही कहता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी चीज की कमोडिटी ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करेगा, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। इट मीन जैसे जैसे हम किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमें उसे कंज्यूम करने की जो इच्छा है वो कम होती जाती है, हम उसको कम कंज्यूम करना चाहते हैं, राइट। तो यही लॉ ऑफ डीएमयू है। इसमें दो चीज है, एक है मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा है टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यानी जब हम सक्सेसिव बात करते हैं, जैसे कि 1 यूनिट पर 10 थी, सेकंड यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें जो हमारी इच्छा है वो 8 यूनिट है, तो सेकंड यूनिट की बात कर रहे हैं। जब हम कभी एडिशनल की बात करते हैं तो मार्जिनल वाली बात होती है, सक्सेसिव वे में बात करें तो मार्जिनल बात होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होती जा रही, कम होती जा रही। और टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी इसका टोटल यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इट मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है वो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है, जो उसको सेटिस्फाई करने की जो पावर है उस पावर को ही हम यूटिलिटी बोलते हैं, राइट। तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है लॉ ऑफ डीएमयू। और ये हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा कि जैसे जैसे चॉकलेट हम खाते गए उसको खाने की जो इच्छा है वो कम होती है। अब इसका हम टोटल लगा लें, टोटल हमने लगाया फिर 18 और 6 24 24 एंड 2 28 एंड 0
कि वापस 28 और फिर ये माइनस में माइनस 2 हो गया, इट मीन्स ये कम होता है राइट। ये आपका बन गया मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी शेड्यूल राइट, जिसमें जैसे जैसे कंज्यूमर कंजम्पशन को बढ़ा रहा है वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी जो है कम होती जाती है, मतलब जैसे जैसे वो चीजें कंज्यूम करते जा रहा है उसको उसको कंज्यूम करने की जो इच्छा है वो कम होती जा रही है, जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है। अब इसी चीज को यदि आप एक ग्राफ पर प्लॉट करें तो आपने मान लीजिए आपने एक ग्राफ प्लॉट किया तो आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे इसकी यूनिट हम ये यूनिट जो है कि हम एक्स एक्सिस पे मान लीजिए हमने इसको प्लॉट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने इसको प्लॉट किया, हमने देखा मार्जिन 10, 8, 6, 4, 0, 2 और माइनस 2। अब आपने इसको यानी कि मान लीजिए 1 पर जो है ये यहाँ पर 10 है मान लीजिए हम यहाँ पर 8 है तो ये इस तरीके से ये जो है कम होते जा रही और फिफ्थ पे जाकर के तो 0 हो गई। तो ये आपने एक ऐसा कर्व बनाया और इस कर्व का नाम आपने दिया मार्जिनल यूटिलिटी राइट। आपने ये डेटा के थ्रू यहाँ पर कर्व बनाया और इस कर्व का नाम है मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसमें आप यदि हिस्ट्री को भी प्लॉट करेंगे इसी ग्राफ में मतलब प्लॉट करते हैं तो ये 1 पर कितना है 10 है, मैं यहां में मान रहा हूं कि 10 है। इसके बाद 2 पर है 18 तो यानी इससे बढ़कर होगा राइट है, फिर 3 पर 24 ये बढ़ते जा रहा है और ये तब तक बढ़ते जा रहा है जब तक ये मार्जिनल यूटिलिटी 0 नहीं हो जाती, यानी कि आप यदि इसको कर्व बनाए तो आपको इस तरीके से कर्व बनेगा ये कि जब तक ये जब ये 0 लेवल पे होगा तब ये हाईएस्ट लेवल पर होगा और उसके बाद डिक्लाइन होगा। देखिए आप जब ये मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तब ये हाईएस्ट लेवल पर है राइट, और मार्जिनल यूटिलिटी लगातार डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है लेकिन एक स्टेज पे आने के बाद में डिक्लाइन हो रहा है राइट। तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में रिलेशनशिप भी हम ये देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग वेयर द टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये टोटल यूटिलिटी कर्व है और ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, यानी कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होगी तब तक पॉजिटिव डिक्लाइन होगी तब तक जो है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन नेगेटिव टोटल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, यानी कि अल्टीमेटली आपको लॉ ऑफ डीएमयू शायद अब क्लियर हो गया होगा, लॉ ऑफ डीएमयू में आपको एक सर्किल बनाना है जिसमें एमयू को पहले प्लॉट करें, एनयू डिक्रीज होती है तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, उसको आप ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। इसके अलावा इसकी जो आप डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे कि लॉ ऑफ डीएमयू सेज दैट एज अ कंज्यूमर इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटी इफ अ कंज्यूमर इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम दैट कमोडिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ा रहा है उसके जो खाने की जो या उसको जो कंज्यूम करने की इच्छा है वो कम होती जाती है, यही लॉ ऑफ डीएमयू है। लॉ ऑफ डीएमयू मतलब आपको पता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये लॉ ऑफ डीएमयू है जो कि कार्डिनल अप्रोच के थ्रू हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करता है राइट। इसके डेफिनेशन इसका शेड्यूल और ये इसका डायग्राम, इसके कुछ एक्सेप्शन है कि हर कुछ चीजों में अप्लाई नहीं होता है, जैसे कि जो ड्रग्स वगैरह की चीजें हैं, अब किस कोई मान लेते हैं कि कोई शराब पीने वाला है उसके लिए तो ये अप्लाई होगा ही, वो जब एक बोतल पिएगा तो दूसरी बोतल की उसकी इच्छा और ज्यादा हो सकती है, तो ऐसी चीजों पर अप्लाई नहीं होगी जो एक्सेप्शनल केस है। तो लॉ ऑफ डीएमयू के अपने कुछ एक्सेप्शन भी है, ये सिर्फ नॉर्मल गुड्स पर ही अप्लाई होता है, ये सिर्फ ऐसे गुड्स पर ही अप्लाई होगा जो जो आमतौर पर जो लोग यूज करते हैं, मतलब ऐसे कोई गुड जो इमरजेंसी के हो या कोई दवाई हो या फिर आप कहेंगे जो ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड हो तो उन चीजों पर अल्कोहल वगैरह हो उन पर अप्लाई नहीं पाएगा। खैर ये था लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में, तो ये वीडियो नंबर 3। अब आगे हम वीडियो नंबर 4 पर आप और भी चीजें नई नया टॉपिक के साथ मैं बात करूंगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।